जैसा कि देख रहे हैं हुंडई की i20 है, 2011 का मॉडल है, पेट्रोल कार है इसका। हम एसी चालू करते हैं तो एसी चालू नहीं हो रहा है। क्यों नहीं चालू हो रहा है बाहर आपको दिखा देता हूं। इसका जो कंप्रेसर है, कंप्रेसर का जो क्लच है वो टूट चुका है, यानी अंदर से कंप्रेसर जाम हो चुका है और जाम के टूट गया है, वो मैं आपको बाहर दिखा देता हूं। एसी यहां से चालू रखा हूं मैं और बाहर देखते हैं कंप्रेसर का क्या हुआ है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कंप्रेसर का कलर यहाँ से पूरा साफ नहीं दिख रहा है। देख रहे हैं ऊपर का पार्ट टूट के घूम रहा है, लेकिन पुली को साफ करके जो घुमाता है वो नहीं घूम रहा है, बाकी सब घूम रहा है। इसके वजह से हम इसको कंप्रेसर रिप्लेस करेंगे। ऐसा कि देख पा रहे हैं सब बराबर है इसमें, और ये रही इसका कंप्रेसर। ये कंप्रेसर चेंज करेंगे इसमें हम। चलो आगे हम इसका कंप्रेसर चेंज करके फिर देखते हैं कूलिंग बराबर हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। इसका कंप्रेसर ये टूट चुका है, देख पा रहे हैं ये जाम हो चुका है पूरा, इसकी वजह से टूट चुका है। और ये वाला इसमें डालने जा रहे हैं हम, फिटिंग करने जा रहे हैं। देख पा रहे हैं मैंने गैस इसमें भर दिया हूँ और फिटिंग अंदर देखते हैं। कंप्रेसर वगैरह फिट कर चुके हैं, गैस भी भर दी है, फिटिंग देखते हैं अंदर कितना हो रहा है, चेक करते हैं फिटिंग। जैसा कि आप देख पा रहे हैं 9.9 पे आ चुका है कूलिंग टेम्परेचर। अब एसी चालू है, गाड़ी चालू है और कूलिंग टेम्परेचर 9.9 आ चुका है, यानी सभी सिस्टम प्रॉपर हो चुका है। कंप्रेसर टूट गया था, इसके वजह से कंप्रेसर की क्लच, इसके वजह से कूलिंग नहीं हो रहा था। थैंक्स फॉर वॉचिंग।